माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता को लेकर अन्वेषकों को आश्वासन मिला है। माननीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा जल्द वार्ता कराई जाएगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज। अन्वेषक न्यूज आपके संघर्ष का साथी, मैं हूं आपके साथ डीके देव। साथियों, यहां पर आपको बताना चाहेंगे, कल यानी कि 5/2/2023 को ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया ज्ञापन, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द वार्ता कराने के लिए माननीय कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन भी दिया है। जैसा कि सर्वविदित है, अन्वेषक अपने अपने स्तर से अपनी मांगों को लेकर लगातार शासन प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों के सांसद, विधायक एवं मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ही उनकी बात पर अमल नहीं किया गया, उनकी गुहार नहीं सुनी गई है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी की कार्यकारिणी के निर्देशानुसार दिनांक 5/2/2023 को विधायक महोदय व सांसद महोदयों को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी को ज्ञापन दिया, जिसमें माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाई जाएगी। आपके संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवा कर उनकी मांगों को सॉल्व कराया जाएगा। इसके लिए समस्त अन्वेषकों ने माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। आदरणीय महंत पाल सिंह जी विधायक प्राइज को तथा चौरी चौरा विधायक श्री सवरण सिंह निषाद जी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें माननीयों ने मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराने के लिए अन्वेषकों को आश्वासन दिया। ज्ञापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, बाल मुकुंद निषाद जी, अभिषेक राय जी, कुलदीप राय जी, करुणेश भट्ट जी, जगदीप गुप्ता जी, अब्दुल कादिर जी, अशोक सिंह जी, अभिनव सिंह जी, चंदन सिंह एवं देवेंद्र कुमार जी आदि ने उपस्थित रहे। सूचना रणंजय सिंह जिलाध्यक्ष गोरखपुर के द्वारा सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है। साधु, जैसा कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि संघर्ष करना महान लोगों की पहचान है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत खड़ी है वो बड़ी है। इन इस विचारधारा के साथ अन्वेषक संघ चल रहा है, इसीलिए इस वर्ष को अन्वेषकों ने संघर्षों का वर्ष घोषित किया है। तो ये थी साथियों खास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, और इसी तरीके से लगे रहिए, अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं जल पूर्ण हों। दोस्तों, चैनल की ओर से एक छोटा सा निवेदन, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही एक छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लगातार आपकी खबरों को बिना किसी रुकावट के देते रहें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।